नमस्कार दोस्तों, पवन वाघ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, और इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आज हम कर रहे हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए, आज का जो वीडियो बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर आज सिर्फ आपको एक रूल सिखाने वाला हूँ, और वो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपको हर जगह काम में आएगा। अगर आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो आपको ये चीज हर जगह काम में आने वाली है, तो आपको बहुत ध्यान से सीखना है। जो मैंने, आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि आपको वो कल वाला ही डायग्राम दिख रहा है, पहले वाला प्रीवियस वीडियो में जो था कि फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये बिल्कुल ये जो एक्टिविटी हमने की थी, इसको मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं। क्या था इसमें? इसमें एक हमने हॉर्सशू मैग्नेट लेके रखा था, यहां पर हमने एक ये वायर लेके रखी थी। लेट मी टेक दिस, ये यहां से लेकर के यहां तक के एक वायर है, ठीक है। इस वायर को हमने लेके रखा था, इस वायर पे हमने यहां से क्या करा था कि बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल लगा के रखा है, और इस तरह से यहां पर करंट जब फ्लो हुआ तो जब करंट का डायरेक्शन नीचे ऊपर से नीचे की ओर था तो क्या हुआ था कि ये सी की ओर आया था पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में क्या किया कि इसके बैटरी के बैटरी को चेंज कर दिया, तो वहां पर क्या हुआ था कि करंट का फ्लो फिर उल्टे डायरेक्शन में दिया था, इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा था, और उसमें क्या हुआ था कि वो इस साइड आ गया था। तो हमने बेसिकली क्या देखा था कि यहां पर जो डायरेक्शन ऑफ जो करंट था, डायरेक्शन ऑफ करंट, उसके बाद में फोर्स एक्टिंग ऑन दैट और मैग्नेटिक फील्ड, ये यहां पर तीनों की तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर थी। तो बिल्कुल यही चीज हमको हमारे आज के जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है उसमें देखने को मिलेगी। क्या दे के रखा है वहां पर, हम सबसे पहले आते हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में दे के रखा है वहां से हम आते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको दे के रखा है पेज नंबर 55 पर। क्या बोलता है? इन द अबव एक्सपेरिमेंट, किस एक्सपेरिमेंट में? अभी जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया, इसीलिए मैंने उसको रिपीट किया, ठीक है। तो इन द अबव एक्सपेरिमेंट वी कंसिडर्ड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड फाउंड दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड इज परपेंडिकुलर टू द बोथ। मतलब हमने जो प्रीवियस हमारा जो एक एक्टिविटी थी वो जो हमने की थी, उसमें हमको ये बता के रखा था कि जो डायरेक्शन ऑफ द, देखिए डायरेक्शन ऑफ द करंट क्लियरली बोल के रखा है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लूं। यहां क्लियरली बोल के रखा है द डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, क्या बोलता है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, ओके, करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दैट एंड फाउंड दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड इज परपेंडिकुलर टू द बोथ। वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब अगर मैं यहां पर देखूं तो इस तरह का आपको लेफ्ट हैंड का रूल आपका ये दिख रहा है आपकी टेक्स्ट बुक में, और वो टेक्स्ट बुक में बताता है कि यहां पर ये जो है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है इंडेक्स फिंगर, ठीक है, यही चीज आने वाली है। साथ ही में ये जो आपका मिडिल फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ द करंट को ये करता है, और साथ ही में ये है फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। अब देखो, जब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ द करंट, अगर मैं इसको ऐसा कर लूं, अगर मैं ऐसा कर लूं, तो आपने देखा था कि जब करंट नीचे की ओर जा रहा था तो वो क्या था, वो सी की ओर शिफ्ट हुआ था, और ये डायरेक्शन किसको बता रहा है, मैग्नेटिक, ये आपको ये बता रहा है फोर्स ऑन द कंडक्टर के ऊपर, ठीक है। तो यही चीज यहां पर देखे रखिए, देखिए क्या देखे रखा है उसको हम देखते हैं। यहां बोलता है देयर इज अ सिंपल रूल रिलेटिंग दीज थ्री डायरेक्शंस एंड दिस रूल इज कॉल्ड अ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यही है, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, और वही बोलता है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब यहां पर ये जो डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं, आपको लगेगा ये कैसे, ये फिंगर्स कैसे एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, तो मैं आपको सिखा दूं, बता दूं। एक्चुअली फिंगर्स जो देख रखे हैं आपको, यहां पर ये वाला एक और डायग्राम देख रखा है, ये डायग्राम में बताता है कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर। एक्चुअली ये क्या है, अगर आपको थोड़ा समझना है ना, तो हमारे किसी भी रूम के किसी कॉर्नर पे जाके चले जाओ, उस कॉर्नर पे देखो कि जो ऊपर की दीवार, जो दो दीवारें मिलके जो लाइन बन रही है, वो जो फ्लोरिंग और ये सामने की दीवार जो बन रही है वो, और जो इस साइड की दीवार और ये फ्लोरिंग बन रहा है वो, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो यहां पर ये तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये जो फिंगर है इसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, मिडिल फिंगर है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जैसे वहां पर हमारा जो एक्टिविटी था उसमें डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देखें, ठीक है, तो वहां पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की ओर अगर आपने इसको इंडिकेट करवा दिया और इसको घुमा दिया, डे करंट की ओर दिखा दिया, तो देखो सी की ओर शिफ्ट हो रहा था, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। मतलब जहां पर वो है ना, बिल्कुल उसको अगर हम ध्यान से देखें तो वहां पर वो सेट होता है। तो क्या बोलता है ये रूल, क्या बोलता है उसके ऊपर हम जाते हैं, जो स्टेटमेंट बोलता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उस स्टेटमेंट के ऊपर हम जाते हैं। स्टेटमेंट क्या बोलता है, स्टेटमेंट ये बताता है
दैट इज, एक मिनट रुकिए मैं इसको इरेज कर लूं, हाँ जी, ये बताता है दैट अकॉर्डिंग टू दिस रूल द लेफ्ट हैंड थंब, लेफ्ट हैंड थंब, लेफ्ट हैंड का थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर स्ट्रेच एज सच दैट एज टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, कैसे परपेंडिकुलर, देखो भाई मैं थोड़ा इसको घुमाता हूं, ये परपेंडिकुलर है, ये पार्ट परपेंडिकुलर है, मैं इसको घुमाता हूं, ये पार्ट परपेंडिकुलर है, और ये अगर आप देखें तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, एक्चुअली तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये इस तरह से स्ट्रेच किया है कि तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, किसी भी डायरेक्शन में देख लो, इस डायरेक्शन में देखो कि ये परपेंडिकुलर दिखेगा, इस डायरेक्शन में देखो ये परपेंडिकुलर दिखेगा, ठीक है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ऐसे स्ट्रेच करना है कि वो तीनों एक दूसरे परपेंडिकुलर आ जाए। और क्या बोलता है, इफ द इंडेक्स फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो यहां पर हमको क्लियर बोल के रखा है कि जो इंडेक्स फिंगर, ये जो इंडेक्स फिंगर है ये क्या बोल रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ द, एक मिनट रुकिए, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, तो और ये जो है, इफ द इंडेक्स फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन अगर मिडिल फिंगर जो है, देखिए फिर से समझ लीजिए, इंडेक्स फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है पहली बार, और जो मिडिल फिंगर है वो अगर डायरेक्शन ऑफ द करंट को बता रहा है, तो क्या होता है कि जो थंब है वो इंडिकेट करता है फोर्स ऑन द कंडक्टर, वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। वही चीज यहां दिखा के रखिए, इफ द इंडेक्स फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडिल फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ द थंब इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर। बस यही रूल है, इतना ही है। और ये आपको देखने को मिलेगा कि यार ये तो तिरछा दिख रहा है, मतलब यहां पर वो थंब इस साइड दिखा रहा है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक करंट के लिए डायरेक्शन इस साइड दिखा रहा है, और ये ऊपर दिखा रहा है, तो ये कैसे है, ये एक्चुअली घुमा दिया है इसको, ये डायरेक्शन, ये जो डायग्राम है ना, ये इस तरह से बनना चाहिए था, और यहां पर देखिए ये 90 का दिख रहा है, यहां पर ये 90 का दिख रहा है, और यहां पर आप लिख देते कि भैया ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक, साथ ही में ये जो नीचे बता रहा है ये करंट के डायरेक्शन को बता रहा है कि भाई करंट किधर फ्लो हो रहा है ऊपर से नीचे। अब आप क्या कीजिए कि वैसे ही जो डायग्राम आपकी, इसको डायग्राम बोले, वो एक्टिविटी कहीं पर करके देखिए और लगा के देखिए फिंगर वो जा रहा है क्या, बिल्कुल वैसे ही होगा, ठीक है, साथ ही में ये जो अपर दिखा रहा है ये दिखा रहा है फोर्स ऑन द कंडक्टर, फोर्स ऑन द कंडक्टर, ठीक है, तो वहां पर क्या था, जब आप फिंगर्स घुमाओगे तो फोर्स किधर था, वो जिस साइड शिफ्ट हो रहा था वो आपको देखने मिलेगा, सी में और बी में जा रहा था ना, वो कैसे जा रहा था, बिल्कुल आपको इसको स्ट्रेच करके देखोगे तो देखने मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं इसमें आगे आता हूं, आगे इसमें क्या देख रखा है, एक बात ध्यान रखिए, अगली स्लाइड पे जाने से पहले एक बात बता दूं मैं आपको कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इसका, इस चैप्टर का, इसको अच्छे से करो, इसका स्टेटमेंट लिखने आ सकता है, इसको डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, तो तरीके से उसको समझ लो, ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डिफिकल्ट है, ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है यार, ठीक है। चलिए मैं इसमें आगे आता हूं, आगे इसमें देखे रखा है डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ट्राई इसमें देखे रखा है, वो बोलता है कि डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर इन द अबव एक्सपेरिमेंट एंड वेरीफाई योर फाइंडिंग, आपको वेरीफाई करके देखना है क्या होगा, डिटरमाइन क्या डायरेक्शन होगा, वही बात लिखना है फिर से वापस कि द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर इज परपेंडिकुलर टू द बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट, बस यही लिखना है और वही आपको देखने मिल रहा है। देखिए यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है, मैंने इसके लिए डायग्राम लेके रखा है, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस साइड दिखा रहा है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, ये इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ द करंट है, और ये फोर्स एक्टिंग दिस साइड है, तो तीनों के तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तीनों के तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, ये इस तरह का डायग्राम यहां पर बता के रखा है, इसको घुमाओगे ना फिंगर्स को तो एग्जैक्टली वैसा का वैसे ही बैठेगा, ठीक है, तो चिंता वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए इसमें अगला जो पार्ट है वो है इलेक्ट्रिक मोटर का, और इलेक्ट्रिक मोटर मैं सेपरेट आपको लेने वाला हूं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत तरीके से उसको आपको समझना है, तो उसकी वर्किंग, उसका डायग्राम, सारी चीजें हम उसको अपने अगले वीडियो में सीखेंगे, और मेरे छोटे छोटे वीडियो आएंगे, वीडियो आते रहेंगे, चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए ही हूँ, ओके दोस्तों। तो मैंने जो भी आज आपको एक्सप्लेन कराया है मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा, आपको समझ में आया या नहीं आया प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं चीज़ों को आपको सिंपल तरीके से समझाऊं। और दोस्तों जो बात हमेशा मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ, आज लास्ट में बोल रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, देखते रहे पवन एकेडमी, धन्यवाद।